नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास का संक्षिप्त जो है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास सिक्स ट्यूटोरियल करा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 30 आपका है मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन कैसा था। तो मुगलों के अधीन आपका जो है आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 30 है। इसका जो है हम लोग दो से तीन पार्टों में इसको कवर करेंगे। ये तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो है जीवन स्तर। तो ग्रामीण जीवन पद्धति कैसा था, तो ग्रामीण जीवन पद्धति मुगल साम्राज्य में कैसा था उसको पढ़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार तक प्रादेशिक विस्तार के पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री आए भारत तथा उनमें से अधिकतर इस देश की सामाजिक व आर्थिक अव्यवस्था को उनका विवरण छोड़ गए। उन्होंने भारत की संपत्ति और समृद्धि का अधिक बखान किया। उनके विवरण से एक ओर तो हमें सार्थक वर्गों की विलासितापूर्ण जीवन का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों अर्थात किसानों कारीगरों तथा श्रमिकों की घोर दरिद्रता की स्थितियों का पता चलता है। बाबर ने लिखा है कि किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। तो किसान और निचले तबके लोग नंगे रहते, मतलब कि सिर्फ अपना जो है जो कुछ है कुछ पार्ट्स तक ही कपड़ा पहनते थे, बाकी सब कपड़े की ना रहते थे। उसने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्री द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का वर्णन किया है। तो बाबर ने जो है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्री द्वारा पहने जाने वाली साड़ी का वर्णन किया है। 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री रॉयल फिंच कहता है। तो 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री रॉयल फिंच कहता है, भारत के शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा अतिरिक्त के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते थे। डी लेने बताता है कि सर्दी के मौसम में श्रमिकों के पास अपने को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। निकितन कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर रहते थे। और मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को जूतों का नाम लेते नहीं सुना, इसके कारण वह चमड़े की ऊंची कीमत बताता है। तो मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को जूतों का नाम लेते नहीं सुना, इसका कारण वह चमड़े की ऊंची कीमत बताता है। ग्रामवासी जिस मिट्टी के घरों में रहते थे वे आज के मिट्टी के घरों से भिन्न नहीं थे। चावल, मोटे अनाज और दालें जिन्हें पेलचट और दी लेने ने खिड़ी कहा है, लोगों के मुख्य आहार थे। बंगाल में और तटवर्ती प्रदेशों में लोग मछली खाते थे तथा दक्षिण और प्रायद्वीप प्रदेश में मांस का प्रयोग किया जाता था। उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां, दाल और हरी सब्जियां लोगों का आम भोजन होती थी। तो उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां, दाल और हरी सब्जियां लोगों का आम भोजन होती थी। साधारण लोग भोजन रात में करते थे तथा दिन में चने चबाकर अपना पेट भरते थे। उस समय अनाजों के मुकाबले घी और तेल बहुत सस्ते थे। तथा गरीब लोग उनका अधिक उपयोग करते थे, परंतु नमक और शक्कर ज्यादा खर्चीले थे। चारागाह ज्यादा होने से वे मवेशी अधिक रखते थे जिससे दूध और दूध से बनी वस्तुएं उन्हें अधिक मात्रा में मिल जाती थी। गांव के कारीगरों को अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्रतिदिन जिंसों में मिलता था, जिसकी मात्रा दस्तूर से तय होती थी। तो गाँव के कारीगरों को जो है अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्रतिदिन जिंसों में मिलता था, जिसकी मात्रा दस्तूर से तय होती थी। गांव में असमानता बहुत अधिक थी। जिस किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे उन्हें अक्सर जमींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेतों में कार्य करना पड़ता था, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जातियों के लोगों होते थे, जिन्हें कमीन कहा जाता था। तो भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जाति के लोग होते थे जिन्हें कमीन कहा जाता था। जिन किसानों के पास अपनी जमीन होती थी वे उसे समय जोतते थे, वे खुद काश्त कहे जाते थे। वे भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे और उनमें कुछ के पास हल और बैल होते थे,
जिन्हें वे गरीब की मदद के लिए उधार भी दे दिया करते थे। ये गरीब मुजरियान कहलाते थे तथा उसी दरों से भू राजस्व अदा करते थे। तो जिन किसानों के पास अपनी जमीनें होती थी तथा वे उसे स्वयं जोतते थे, वे खुदाकश कहे जाते थे। वे भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे। उनमें कुछ से कुछ के पास हल और बैल होते थे, जिन्हें वे गरीबों की मदद के लिए उधार भी दे दिया करते थे। ये गरीब मुजरियान कहलाते थे तथा उसी दरों से भू राजस्व अदा करते थे। खुदकाश्त अपने को गांव का बासिंदा बताते थे। ये बहुधा किसी एक या एकाधिक प्रभावशाली जातियों के होते थे। ये जातियां न केवल ग्रामीण समाज पर प्रभुत्व कायम करती थी बल्कि गांव गरीब या कमजोर वर्गों के लिए लोगों का भी शोषण करती थी। ठीक है, मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। तो मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की आबादी 12.5 करोड़ थी। स्पष्ट है कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार किसान अपने साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार चाहे जितनी भूमि जोत सकता था परंतु सामाजिक प्रतिबंधों की रुकावट थी। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के अत्यधिक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविधतापूर्ण थी। तो अफ्रीका और एशिया के अत्यधिक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविधतापूर्ण थी। तो यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, दलहन, बाजरा, दालें इत्यादि। तो यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, दलहन, बाजरा आदि। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसी फसलें भी उगाई जाती थी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जाता सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी फसलें उगाई जाती थी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जाता है। इन फसलों पर भू राजस्व उसी दरों से दिया जाता था। तो इन फसलों पर भू राजस्व उसी दरों से दिया जाता था, इसलिए उन्हें प्राय नगदी फसलें या श्रेष्ठतर फसलें कहा जाता था। 17वीं सदी में दो नई फसलें तंबाकू और मक्का उगाई जाने लगी। ठीक है, इस काल में रेशम और टसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने लगी कि चीन से इसका आयात करने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस काल में रेशम और टसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने लगी कि चीन से इनका आयात करने की आवश्यकता नहीं रह गई। 18वीं सदी से आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों विशेषकर चावल और साथ ही शक्कर का निर्यात भी करता था। भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में समर्थ थे। तो भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में समर्थ थे। मुगल राज खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों का ऋण तकाबी भी देता था। तो मुगल राज खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को ऋण या तकाबी देता था। जैसे कि नई कृषि तकनीकें अभी तक आरंभ नहीं हुई थी तथापि कुल मिलाकर भारतीय कृषि में काफी कुशलता थी। इस काल में माल उत्पादन और व्यापार के क्षेत्रों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आपका मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। तो खेत बटाई क्या था आपका? तो खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाने का कहते थे खेत बटाई। तो खेत में ही अनाज का बंटवारा तो कहते थे खेत बटाई। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई। तो अनाज को जो है खलिहान से लाकर खेतों से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई को कहते थे लंक बटाई, और अनाज से भूसा निकालकर बटाई को कहते थे रास बटाई। तो आपका था एक खेत बटाई, एक आपका था लंक बटाई, एक आपका था रास बटाई। तो खेत में ही अनाज का बंटवारा आपका खेत बटाई हो गया। अनाज को खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई लंक बटाई, और अनाज से भूसा निकाल के बटाई उसे रास बटाई कहते थे। मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था तब तक उसे उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था तब तक उससे उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान का उसकी जमीन पर उच्चाधिकार होता था। यद्यपि भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी तथा कभी कभी तो वह उपज का 1/2 भाग तक हो सकती थी। ठीक है, शासक वर्ग और सरदार एवं जमींदार के बारे में देखते हैं। अगर इसमें पढ़ना होगा तो इसमें पढ़ेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखते हैं आपका कितना बड़ा है। तो हम लोग इसी में कंप्लीट करेंगे आपका शासक वर्ग और सरदार एवं जमींदार के बारे में। तो शासक वर्ग, सरदार एवं जमींदार, तो मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था।
हरम में अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों से जैसे ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि से लिए जाते थे। तो मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। हरम में अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि से लिए जाते थे। बाबर ने प्रमुख अफगान अमीरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत अशांत तथा अविश्वसनीय सिद्ध हुए। जहांगीर के शासन काल से अफगानों को सरदार वर्ग में स्थान दिया जाने लगा। भारतीय मुस्लिमों को जिन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। तो भारतीय मुस्लिमों को जिन्हें शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। अकबर के शासनकाल से हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। तो अकबर के शासनकाल से हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। ऐसे सरदारों में सबसे ज्यादा राजपूत लोग हुआ करते थे। राजपूतों में भी कछवाहों की प्रधानता रहती थी। एक आधुनिक अनुमान के अनुसार अकबर के अधीन 1594 ईस्वी में हिंदू सरदारों का अनुपात मात्र 16% था। राजा मान सिंह और बीरबल अकबर के व्यक्तिगत मित्र और नवरत्नों में से एक थे। जिन राजपूतों को सरदार का दर्जा दिया जाता था, वे या तो वंशानुगत राजा होते थे या किसी राजा से संबंधित अभिजात परिवारों के सदस्य होते थे। उस काल में जहांगीर और शाहजहां के अधीन सरदार वर्ग में अत्यधिक अस्थिरता आई। मुगल दरबार में सेवा के अवसर की तलाश करने वाले तुरानियों, ईरानियों और अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था तथा इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने का प्रेरित किया था। तो मुगल दरबार में सेवा के अवसर की तलाश करने वाले तुरानियों, ईरानियों और अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था। इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने को प्रेरित किया था। जहांगीर और शाहजहां के अधीन अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। साथ सरदार वर्ग में अफगानों, भारतीय मुसलमानों, हिंदुस्तानियों और हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। हिंदुओं के एक नए मराठा वर्ग ने मुगल सरदार में प्रवेश किया था। मराठों को दक्कन के मामलों में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। तो हिंदुओं को एक नए मराठा वर्ग ने मुगल सरदार वर्ग में प्रवेश किया था। मराठों को दक्कन के मामलों में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर ने मराठों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी इस नीति को शाहजहां ने जारी रखा। शाहजहां की सेवा करने वाले मराठा सरदारों में शिवाजी का पिता शाहजी भी था। ठीक है, औरंगजेब ने भी अनेक मराठों और दक्कनी मुस्लिमों को अपनी नौकरी में रखा था। तो औरंगजेब ने भी अनेक मराठों और दक्कनी मुस्लिमों को अपनी नौकरी में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से 24% था। तो औरंगजेब ने अभी अनेक मराठों और दक्कनी मुस्लिमों को अपनी नौकरी में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से 24% था। औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया और उनकी संख्या में डेढ़ गुनी वृद्धि हुई। हिंदू सरदारों में मराठे आधे से अधिक थे। तो औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया और उनकी संख्या से डेढ़ गुनी वृद्धि हुई और हिंदू सरदारों में मराठे आधे से अधिक थे। सभी सरदार के पास नौकर चाकरों का एक विशाल दल, विशाल अस्तबल, हथसाल आदि होते थे। उनमें से अधिकतर सरदारों के पास स्त्रियों से भरा विशाल हरम होता था, जो उन दिनों प्रभावशाली लोगों के लिए साधारण बात मानी जाती थी। तड़क भड़क और लाचितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सरदार अपने शहंशाह की ही नकल करते थे और एक विवरण के अनुसार अकबर के लिए एक समय के भोजन के लिए 40 तरह के पकवान पकते थे। इन सरदारों के लिए फलों पर अत्यधिक व्यय किया जाता था, जिनमें कुछ चुनिंदा फल जैसे समरकंद और बुखारा से मंगवाए जाते थे। वर्ग उन दिनों विलासिता की वस्तु की कोटि में आती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग इसका उपयोग वर्ष भर करते थे। तो वर्ग जो है उन दिनों विलासिता की वस्तु की कोटि में आती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग उसका उपयोग वर्ष भर करते थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग। ठीक है।